वहीं आजमगढ़ के सठियाव में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव नई सहकारी चीनी मिल सहित 280 विकास योजनाओं के शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बारीकी से एक एक कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया है। विशाल मंच से लेकर हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से खासा फोर्स तैनात है। आजमगढ़ से सांसद चुने जाने के बाद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव 8 महीने बाद अपने क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव, नगर विकास मंत्री आजम खान समेत कई मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। सभा स्थल के मंच को सजाने के लिए कई तरह के फूल बाहर से मंगाए गए हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर समेत करीब 16 जनपदों की फोर्स यहां तैनात है, जिसमें एसपी, एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई समेत सैकड़ों कांस्टेबलों को लगाया गया है। मुलायम सिंह यादव जी और अन्य माननीय मंत्रीगण, अन्य महानुभव गण या जनपद आजमगढ़ में पधार रहे, उनके स्वागत के लिए और जो भी विकास संबंधित कार्यक्रम के शिलान्यास, लोकार्पण, घोषणा सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। सुरक्षा व्यवस्था है, जनता की सुविधा को भी ये रखा जा रहा है, ध्यान में रखा जा रहा है। सटियाओं चीनी मिल का शिलान्यास और अन्य काफी सारे विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और घोषणा का कार्यक्रम है। तो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ आ रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद यहां से चुने जाने के बाद पहली बार वो यहां पर आ रहे हैं, तो यहां के लोगों को उम्मीदें भी बहुत हैं। कई सारे तोहफों से भी नवाजा जा सकता है आजमगढ़ की जनता को। वहीं इसके दूसरे मायने भी जरूर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव यूपी में होने हैं, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ से आगाज भी उन चुनावों का करने जा रही है सपा।